सपनों की रानी कब आएगी तू चलिया। पता नहीं कहाँ गया, हमको बुला दिया यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चल गया। अच्छा वो है, आ गया है, चल रहे हैं। बहुत इंतजार कराई तूने। हम भी यहाँ खोज रहे थे। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ, देखो तुम्हारे लिए नदी हिल के आया हूँ। देखो वहाँ पे गाड़ी है, जूता चप्पल सब निकाल के आया हूँ। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार कोई देखा नहीं ना। अरे कौन इधर देखेगा, इधर तो कोई नहीं है। देखो चारों तरफ कोई नहीं है, देखो कोई है नहीं, कोई दिखाई दे रहा है नहीं, दिखाई दे रहा है ना, तब तो हम लोग का ऐसी है। चलो चलो इधर चलते हैं, कहाँ जाएंगे, चलो इधर कोई दिखाई दे रही है। कोई है नहीं ना, देख रही हो ना। नहीं कोई नहीं। अब मिलने में मजा आएगा ना, प्यार करें अच्छा लगेगा ना। क्या लगाई हो? क्या लगाए, कुछ भी नहीं। बहुत मस्त महक रहा है, कुछ भी नहीं, गुलाब जैसा सुगंध आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं सच में बोल रहा हूँ। कौन लड़का और लड़की, क्या बातें कर रहे हैं? चलो चल के सुनते हैं आखिर तुम बात क्या चल रहा है, बात क्या है। क्या लाजवाब लग रही है, मैं रात में बहुत बढ़िया सपना देखा इसलिए तुम्हारे पास फोन कर दिया हूँ। मैं रात में ये देखा हूँ कि मैं तुमसे प्यार कर रहा था। सही। मेरे पास, मैं तेरे पास और दोनों आदमी एक साथ मिल के बहुत प्यार किए हैं इसलिए मुझे मन कर दिया और मैं फोन कर दिया, तुम्हें बुला दिया। आ गया ना? तो आ गई हो तो हम भी तो वही कर रहे, इधर ताकू ना। क्या कजरी की धार है, क्या कमाल लग रही है। मन कर रहा है कि कॉफी ले लूँ, ऐसा है एक कॉफी दे दो। नहीं यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, क्यों वहाँ पर, क्यों यहीं पर मन कर रहा है। अरे कौन आएगा, इसीलिए तो बुलाया हूँ, इधर कौन आएगा। एक दे दो कॉफी। नहीं देखो फिर से वही बात कर रही हो। चलो ठीक है, चलो इधर चलते हैं सब। अरे कहाँ चल दिए? अरे बाबा आप कब से आए थे बाबा? वो भी इतना जंगल में सुनसान में, और मैं तो इस कुटिया में रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ, मेरे कुटिया है यहाँ पर। बाबा हम लोग प्यार करते हैं तो आ गए हैं। मैंने आकर किसी को नहीं देखा यहाँ पर जंगल में आते हुए, और तुम कहीं चले आए वही जंगल में? तुम्हारे से लोग पूरा देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब बताओ, मैं तो पकड़ा दूँ, मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा कुछ बात सुन लो बालक, ठीक है? बताइए बाबा। अगर मान लो अगर कोई दूसरा कोई पकड़ा होता तो मारता भी और पीता भी, इसके साथ जोर जबरदस्ती करता, इस पर गलत काम करता और फिर जाकर घर भी कहता, तुम कितना तुम्हारी इज्जत रहता? तो बताओ लोग तो तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतता, माँ बाप पास को कितना बड़ा किए। ऐसा गलती हम लोग अब फिर से नहीं करेंगे, हमको माफ कर दीजिए बाबा। अरे प्यारी करना है तो इसके घर पर जाकर बातचीत करो, शादी कर लो। ठीक है बाबा, ठीक है। इस तरह करोगे तो कोई पकड़ेगा तो मारेगा, इसके साथ नहीं जबरदस्ती करेगा। ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या जीत जाएगा। ठीक है बाबा, हम लोग को माफ कर दीजिए। तो मेरा ये बात तुम ध्यान रख लो और तुम इसके घर जाओ, भगो यहाँ से, अब दोबारा जंगल को दिखना मत। ठीक है, ठीक है, चुप चुप ऐसे, न जाने कहाँ कैसे ऐसे लोग चलाते हैं, इन्हीं चलते पूरा देश से बर्बाद हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। देख रहे हो भाई बहनों, आज का जमाना इतना खराब हो गया किधर भी लड़का लड़की आपस में चिपक जा रहे हैं, और फैमिली वालों को कोई इच्छा नहीं है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी गाइडेंस नहीं है। मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को ध्यान में रखें, गाइडेंस में रखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और ऐसा न करें।